गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो घर पे और ठीक से अपना पढ़ाई कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, खुद का ख्याल रखना, सुबह जल्दी उठना और हमेशा खुद को साफ सुथरा रखना, ओके? और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है? अभी स्कूल बंद है तो हम जैसे आपको ऐसे करा रहे हैं, ठीक वैसे ही आप लोग अपना क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से करते रहिए, ओके? सो इट्स योर हिंदी रिवीजन क्लास वर्क, ओके नर्सरी? एंड टुडेज डेट इज 29th of September 2020, ओके? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रिविजन क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन योर अक्षर परिचय बुक, इस बुक में हमने लास्ट क्लास में सीखा था ज, और ज से बने एक शब्द जहाज, ओके? पेज नंबर 20 पे। तो आज हम पेज नंबर 21 करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, ये जो वर्ण हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। अब बोलिए तो ये कौन सा वर्ण है? आई होप कि आपको आता है। इस वर्ण का नाम है झ, ओके स्टूडेंट्स? क्या नाम है इसका? झ। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, पूछूं कि स्टूडेंट्स चलो झ से बने एक शब्द मुझे बताइए, एक ऐसा शब्द बताइए जो झ से बनता है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना है झंडा, ओके? तो ये है झ, और झ से बने एक शब्द है झंडा, ओके? सो देखो, आप जानते हैं झंडा क्या होता है? ये होता है झंडा, आपको पता है, ये आप इसको पहचानते हो, ये हमारे देश का झंडा है, तीन रंगों वाला। ये हमारी देश की शान है, हमें हमेशा इसका सम्मान और आदर करना चाहिए, ओके? अगर कहीं पे भी आपको हमारे देश का ये जो झंडा है ये आपको नीचे गिरा हुआ पड़े दिखे, तो उसको ज़रूर आप वहाँ से उठाइए, इस झंडे को कभी गिरने मत दीजिएगा, ओके? ओके, तो चलो आप देखते हैं कि झ कैसे लिखते हैं। ओके, तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले हमें मात्रा देना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स? उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके? चलो फिर से लिखते हैं झ, फिर से लिखते हैं ओके? तो ऐसे लिखते हैं झ। अच्छा, अभी इस पेज पे एकदम नीचे देखो, आपको ये वर्ण मिलेगा, ये है इय, ठीक है? तो इय से कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन किसी अक्षर के ऊपर हम इय लिख के उसका कोई शब्द बना सकते हैं, जैसे कि गांव, ग के ऊपर इय, वो देखे हम गांव लिख सकते हैं, भांगड़ा गांव, ठीक है? ऐसा। और यहाँ पे आप सिर्फ इय, मतलब इस वर्ण को आपको पहचानना है और ये लिखना आपको आना चाहिए, तो अब हम यहाँ तक ही सीखेंगे। तो चलो आप इय लिखते हैं, इय कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मात्रा देंगे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। चलो फिर से लिखते हैं इसको, ये हो गया इया, ओके स्टूडेंट्स? तो बताइए आज हमने क्या सीखा है,
आज हमने सीखा है झ, झ से बने एक शब्द झंडा, और इया। ओके, तो थैंक यू, आवर टुडेज रिवीजन क्लास वर्क इज ओवर। बहुत अच्छे से घर पे अपना पढ़ाई कीजिएगा और खुद का ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।